जनपद रुद्रप्रयाग में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जन चौपाल आयोजित की गई। जन चौपाल में आवास, पेंशन, राशन कार्ड, पेयजल, विद्युत, आधार कार्ड समेत 32 शिकायतें दर्ज की गई है, जिनमें 15 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया है। शेष शिकायतों का निराकरण करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को कहा है कि जिन लोगों के आवास और गौशाला क्षतिग्रस्त होने के लिए मुआवजे के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उन सभी का स्थलीय निरीक्षण कर इनकी सूची तैयार करें और जिन ग्रामीणों के आधार कार्ड में त्रुटि है उनकी सूची 3 दिन के भीतर तैयार करें। देहरादून से रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। पिपली में सरकार जनता द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से जो समस्याएं लोगों के द्वारा बताई गई हैं, उसमें कुछ तो पेंशन के इशू थे, जिनके पेंशन के प्रपत्र भरे गए हैं और उनमें पेंशन अभी प्राप्त नहीं हुई है बताया है, तो वो समाज कल्याण अधिकारी हमारे यहाँ पर उपस्थित थे, उनको भी नोट करा दिए गए हैं मामले। कुछ तो उनके द्वारा यहीं पर मौके पर ही संबंधितों को बता दिया गया है कि उनके पेंशन में क्या त्रुटियाँ हैं, किस वजह से नहीं मिल पाई है। दूसरा, कुछ गौशाला और आवास के लिए भी मांग लोगों के द्वारा दी गई है, तो हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनको बता दिया है कि आज ही इसका निरीक्षण कर लें, ताकि इसकी एक रिपोर्ट चाहे प्रधानमंत्री आवास के लिए हो या अटल आवास के लिए हो, उसके तहत उन पर कार्रवाई की जा सके। दूसरा, आधार कार्ड में कुछ त्रुटियों की बात कही गई है, तो उसमें हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी को बता दिया गया है कि